अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मुअज़्ज़म है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए और हर हफ्ते में कितने दिन करनी चाहिए, तो ये वीडियो लाजमी देखिएगा। इसमें कुछ बात कर लेते हैं कि गाइडलाइंस क्या कहती हैं, जो हेल्थ के अकॉर्डिंगली गाइडलाइंस होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है AHA गाइडलाइन और नेशनल हेल्थ सर्विस UK की हैं। ये क्या ऑलमोस्ट एज के हवाले से भी एक्सरसाइज का फ़र्क रहता है कि कितनी एक्टिविटी करनी चाहिए, लेकिन हम जनरल बात कर लेते हैं 19 to 64 ईयर एज के लिए जो होते हैं। जी, रिकमेंडेशन ये हैं कि आप कम से कम मॉडरेट और विग्रेस एक्सरसाइज, दो टाइप्स हैं इसकी। तो उसके अंदर पहले मॉडरेट एक्सरसाइज की बात करते हैं। मॉडरेट एक्सरसाइज 30 मिनट्स 5 डेज अ वीक करनी चाहिए कम से कम। और इसमें क्या क्या आता है उस पर बात कर लेते हैं कि मॉडरेट किसे कहते हैं और विग्रेस किसे कहते हैं। और अगर विग्रेस कर रहे हैं तो 25 मिनट 3 times अ वीक कम से कम, ये रिकमेंडेड है। ये इसके जो, अगर आप एक्सरसाइज के बेनिफिट्स लेना चाह रहे हैं तो इनके ऊपर अमल करना पड़ेगा। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि उन पर बात हो सकती है कि आपको हेल्दी रखने के लिए, फिट रहने के लिए, वो तीनों चीज़ें जो इसके अंदर आ जाएंगी, जो हेल्थ डेफिनेशन में आती हैं, फिज़िकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग के अंदर जो आती हैं। तो ऑफ कोर्स, तो पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ मॉडरेट। मॉडरेट एक्सरसाइज ये है कि अगर आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, बहुत आहिस्ता भी नहीं चल रहे जो नॉर्मल पेस होती है, और भाग भी नहीं रहे, दरमियानी पेस में आप फास्ट जिसे हम चलना कहते हैं वो कर रहे हैं, तो ये ब्रिस्क वॉक है। ये आप 30 मिनट करेंगे तो ये मॉडरेट के अंदर आ जाएगी। या फिर आप योगा कर रहे हैं, वो भी मॉडरेट में आती है, और मल्टीपल इस तरह की हो सकती हैं चीज़ें। और विग्रेस क्या होता है, ये आप 25 मिनट भी करें, 3 दफ़ा हफ्ते में कर लें, स्कैटर्ड कर लें हफ्ते, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन कर लें, तो इसके अंदर रनिंग आ जाती है और स्विमिंग आ जाती है, या वेरी विग्रेस के अंदर तो वेट लिफ्टिंग इवन आ जाती है। तो ये इस तरह चल सकता काम। और अगर हम टेक्निकली बात करें कि इसके अंदर हार्ट रेट कितना इंक्रीज़ होना चाहिए, तो जो आपका टारगेट हार्ट रेट होता है उसके लिए कम से कम 50 to 75% मॉडरेट के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है हार्ट रेट, और 70 to 85% विग्रेस एक्सरसाइज के अंदर आपका टारगेट हार्ट रेट जो होता है उसके इतनी इंक्रीज़ होना चाहिए। व्हाट इज़ टारगेट हार्ट रेट? टारगेट हार्ट रेट आपका सिंपल फार्मूला है 220 - एज। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 40 ईयर्स के हैं तो 220 - 40 = 180, इसके 75% आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ होना चाहिए। तो कोशिश करें कि एक्सरसाइज को मामूल बनाएं अपनी सेहत के बहाल रखने के लिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाए। ये बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए। देखें, सिंपल कहते हैं कि जान है तो जहान है, तो सेहत के लिए बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है हमें, हम अक्सर इसे इग्नोर कर देते हैं। तो आज ही अपना प्लान बनाइए, कैसे वर्कआउट करना है, किस तरह एक्सरसाइज करनी है, अपने अपना वजन मेंटेन रखें, अपनी खुराक का खास ख्याल रखें, मतवाजन ग़ज़ा इस्तेमाल करें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।